मंगलवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने शादी के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति 30 अप्रैल तक नहीं मिलने की बात कही है। इधर कई परिवारों ने शादी की पूरी तैयारियां कर ली है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग सिर्फ सह परिवार शादी करने के लिए भी तैयार है। ऐसे में कलेक्टर के आदेश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। इस पर देपालपुर विधायक ने एक बयान जारी किया है कि उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब का एक आदेश आया कि 30 अप्रैल तक कोई भी विवाह समारोह नहीं हो सकता। समारोह न हो ये सही है, मैं उनके पक्ष में हूँ, लेकिन विवाह हो सके ऐसा आदेश दे। मैं इस महामारी के दौर में जागरूकता और बचाव का समर्थन करता हूँ और जिले की पूजनीय जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि ऐसा कोई काम न करे जिससे कोविड-19 नियमों की अनदेखी हो। लेकिन कलेक्टर महोदय से सादर निवेदन करना चाहता हूँ कि लोगों के विवाह हो समारोह न हो, हर जाति धर्म समाज के लिहाज से विवाह की रस्में हो पूजन हो। जनता जनार्दन से भी अपील है कि आपदा काल है, न बजाए ढोल न फोड़े फटाके, लेकिन परिवार के साथ वैदिक परंपराओं के साथ रस्म अदा करें। फेरेले बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करनी, मैं आदरणीय इंदौर शहर के कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, कल आपने एक आदेश जारी किया कि शादी ब्याह न हो, कोई भी बड़ा आयोजन ना हो, उस पर आपने रिस्ट्रिक्शन और बैन लगा दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि शादी ब्याह में बैन लगाने से, रस्में निभाने से इससे कुछ नहीं हो। हम आपका समर्थन करते हैं कि आयोजन ना हो, ढोल ना बजे, फटाके ना फूटे, ना कोई बड़ा आयोजन हो, लेकिन जो अलग अलग व्यक्ति, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति इंदौर शहर के अंदर बसते हैं, इंदौर जिले के अंदर बसते हैं, उन्हें सब अपनी रस्म अदाई की परमिशन दी जाए कि दो व्यक्ति या चार व्यक्ति इधर से जाए, दो व्यक्ति चार व्यक्ति उधर से आए, उनकी शादियां हो जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो लोग इंतजार कर रहे थे। मुहूर्त बहुत कम है, पिछले वर्ष भी कोरोना के कारण लोगों की शादी ना हो पाई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, आयोजन कोई भी नहीं हो, बैंड ना बजे, ढोल ना बजे, फटाके न फूटे, लेकिन शादी की रस्म कम से कम पूरी हो पाए, दो चार पांच आदमी उनके दोनों परिवार से एकत्रित हो, घर परिवार में ही शादी हो जाए, ऐसी आयोजन की परमिशन आप दे दें, ताकि इस शहर के अंदर ही नहीं पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी पिछले एक एक वर्ष से बहुत सारे लोग जो रुके हुए हैं कहीं ना कहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।